रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बख़ैर आफियत होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खुश व खुर्रम रखे। तो बेटा जी, उर्दू की क्लास का वक्त जो है वो हुआ चाहता है, और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा अनवान है, वो है जी वालिद के नाम ख़त। तो आज का हमारा अनवान है वालिद के नाम ख़त। अपने नतीजा की इतला देने के लिए जो ख़त है वो हम तहरीर करेंगे, और जो ख़त का स्ट्रक्चर था और जो इसके कुल नंबर और कुल वक्त जो था वो कल सब हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने इसको लिखना है। आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ नफ्से मज़मून, लेकिन नफ्से मज़मून से पहले जो इब्तदाइया है अलकाबोदाब है उनको मैं एक बार रिवाइज़ कर दूँ। पहले हम सिंपल इम्तहानी मरकज़ लिखेंगे, उसके बाद डेट लगाएँगे 18 दिसंबर 2020। मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि आप इंटरनेशनल काउंटिंग में भी डेट लगा सकते हैं, वो भी आपकी गलत नहीं होगी। उसके बाद हम अलकाब लिखेंगे मोहतरम अब्बा जान, और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम। और आज का जो हमारा मेन चीज़ है वो है जी नफ्से मज़मून, जिसे हमने डिस्कस करना है। तो ये देखें, अस्सलाम वालेकुम के बाद जो है वो हमारा नफ्से मज़मून स्टार्ट होता है। तो नफ्से मज़मून को जो है मैंने 3 स्टेप्स में जो है डिवाइड कर दिया है। उन 3 स्टेप्स को 1 by 1 हम जो है वो डिस्कस करेंगे, और इन 3 स्टेप्स पर हम 3 पैराग्राफ्स जो हैं वो राइट करेंगे। कैसे राइट करेंगे, पहले देखें तमहीदी कलमात हैं। तमहीदी कलमा यानी कि हमने खैर खैरियत दरियाफ्त करनी है। जैसे कि यहाँ पर तमहीदी कलमात में मैं अगर वालिद के नाम ख़त लिख रही हूँ अपने नतीजा की इतला देने के लिए, तो मैं क्या बताऊँगी आपको या मैं क्या राइट करूँगी, वो ये होगा। सबसे पहले अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पर हमेशा या ताक़यामत हमारे सरों पर कायम रखे। आप हमारे लिए यूँ ही दुआओं का सिलसिला जो है वो जारी रखें। आज नहायत खूबसूरत और ख़ुशियों से भरपूर नवीद लेकर जो है वो सूरज तलू हुआ है। आज हमारी जमात हश्तम के बोर्ड इम्तहान का नतीजा आया है। आपको खुशखबरी सुनाने से पहले एक बार फिर अपने खालिक व मालिक का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे इज़्ज़त और कामरानी से नवाजा। साथ साथ मैं ये हरगज़ ना भूलूँगा कि ये हमारा तमहीदी कलमात हो गया। और तमहीदी कलमात के बाद एक रेफरेंस जो है वो हमने ऐड करना है, और वो रेफरेंस क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगा। जैसे कि मैंने ये कहा कि जिसने मुझे इज़्ज़त और कामरानी से नवाजा, साथ साथ मैं ये हरगज़ ना भूलूँगा। क्या नहीं भूलूंगा, ये नहीं भूलूंगा कि ये मेरे वालदैन की दुआओं का समर है। यानी कि ये जो इज्जत, ये कामरानी मुझे मिली है, ये सब इस वजह से है कि मेरे वालदैन ने जो है वो मेरे लिए दुआओं का सिलसिला जारी रखा। उसके अकॉर्डिंग हमने रेफरेंस लिखना है, ये मेरे वालदैन की दुआओं का समर है। ये रेफरेंस जो है वो मार्कर के साथ इन्वर्टेड कॉमास में मिड में पेज के हम लिखेंगे। ये हमारे हो गए जी तमहीदी कलमात, यानी कि एक पैराग्राफ और एक रेफरेंस हमारा हो गया। अब सेकंड पैराग्राफ, असल मुद्दा बयान करना है, वो चीज़ जिसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं। अब वो वाला पैराग्राफ शुरू होगा, और वहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि मैं आपको ज़्यादा बेकरार नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे ईमान का तकाजा है कि वालदैन को जानबूझकर बेकरार रखना भी बेअदबी के ज़ुमरे में आता है। तो सुनिए अब्बा जान, आपके लख्ते जिगर ने बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की है। प्रिंसिपल साहब की तरफ से जो है वो एजाजी शील्ड से नवाजा गया है। अब्बा जान, सच पूछिए तो ये एजाज जो है मैं अपने असातिज़ा और वालदैन के नाम करना चाहता हूँ कि जिनकी मेहनत और दुआओं की वजह से अल्लाह ने मुझे जो है वो इस एजाज़ से नवाजा है। मुझे पोजीशन हासिल करने पर खुशी भी हो रही है, और साथ साथ ये भी सोच रहा हूँ कि कामयाबी की सीढ़ी पर जो है वो ये मेरा पहला कदम है, और अब एक और दौड़ है जो इससे भी ज़्यादा मुश्किल है, यानी नहम और दहम का इम्तहान, यानी 9वीं और 10वीं जमात का इम्तहान। तो अब्बा जान मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जो है वो कामयाबी की जो मंजिल है उस पर पहुंच जाऊं, और आप मेरे लिए कामयाबी की दुआओं का सिलसिला जारी रखिएगा। मेरा ईमान है कि असल कामयाबी जो होती है वो वालदैन की दुआओं के तुफैल मिलती है, दुआओं में याद रखिएगा। ये तो हमारा असल मुद्दा हो गया। अब असल मुद्दा के बाद आप जो है वो रेफरेंस, जहाँ पर हमने ये जिक्र किया है कि मैंने खुशी भी हो रही है और ये भी सोच रहा हूँ कि ये कामयाबी की सीढ़ी पर मेरा पहला कदम है, उसके बाद आप रेफरेंस लिखेंगे शेर, नहाल इस गुलस्तान में जितने बड़े हैं हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, नहाल इस गुलस्तान में जितने बड़े हैं हमेशा वो नीचे से
ऊपर चढ़े हैं। ये शेर आप बड़े अच्छे तरीके से मार्कर के साथ जो है लिखेंगे और उसके बाद इख्तितामी कलमात की तरफ आएंगे। इख्तितामी कलमात यानी कि लेटर को आहिस्ता आहिस्ता आप वाइंड अप करेंगे और वो ये इस तरह से होंगे कि ये बजान ये बातों में आपको बताना भूल गया कि इसके लिए किसी एक ख़ास उस्ताद का आप जो है वो नाम लिखें कि उन्होंने जो है मेहनत करवाई मुझे और दूसरे जो तलबात हैं उनसे आगे पहुंचाया जिसकी वजह से मैं जो हूँ पोजीशन लेने में कामयाब हुआ। और फिर एंड पे इख्तितामिया आपने करना है दुआया कलमात के साथ कि घर में तमाम अहले खाना को इस कामयाबी पर मुबारकबाद, छोटे भाई अहमद और छोटी बहन बरीरा को प्यार, या आप अपने बहन भाई का नाम लिख रहे हैं वसलाम आपका बेटा अली बेज जी। तो बेटा जी यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि जो 9th क्लास का लेटर है उसमें आप जब तमहीदी कलमात लिखेंगे उसके बाद एक रेफरेंस होगा, असल मुद्दा बयान करेंगे उसके बाद एक रेफरेंस होगा और उसके बाद जो है वो आप वाइंड अप करेंगे लेटर को 4 to 5 लाइंस में। अच्छा जी रेफरेंस कितने होने चाहिए? सिर्फ 2 रेफरेंस लिखें, एक कोटेशन एक शेर, या दोनों कोटेशन ऐड करें, 2 शार जो हैं वो आप नहीं ऐड करेंगे नफ्स मज़मून में, ठीक है? तो पैराग्राफ्स की सूरत में आप लिखेंगे एक पैराग्राफ के बाद एक रेफरेंस, फिर एक पैराग्राफ के बाद एक रेफरेंस और फिर जो है वो इख्तितामिया और उसके बाद दुआया कलमात। तो बेटा जी नफ्स मज़मून का इख्तितामिया, ठीक है, और उसके बाद दुआया कलमात। तो बेटा जी ये हमारा आज का लेटर है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इसे रिटर्न लिखें, इसे प्रैक्टिस करें, लिखें मश्क करें करें लिख के इसकी, ताकि आपको अच्छे से जो है वो अजबर हो जाए। कुल नंबर 10 हैं इसके और 15 मिनट्स हैं आपके पास। नेक्स्ट 15 मिनट्स में जो है वो आप मुझे लिख कर इसकी पिक जो है वो शो करेंगे, इसे आप नोटबुक पर नोट करेंगे। कोई भी किसी चीज़ की भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं।